तो यहां पर कई ट्रेडर ऐसे हैं जो इंट्राडे में कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को राइट कर देते हैं। 10 में से 8 बार वो कमा भी लेते हैं, लेकिन मान लो 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट में वन साइडेड बड़ा मूवमेंट आ गया, तो जो 7 8 बार कमाया है वो तो जाता ही जाता है और जेब से भी निकल जाता है। तो यहाँ पर हम 8 बार कमा रहे हैं उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो 2 बार हमें नुकसान बड़ा हो रहा है हमें चिंता उस बात की करना चाहिए। तो अब हम उन 2 दिनों को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम उन 2 दिनों को किस तरीके से सुरक्षित करें यहाँ पर, ठीक है हम ऑप्शन को राइट करके काम करते हैं, तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। इंट्राडे में अगर हमने कॉल ऑप्शन भी सेल करा पुट ऑप्शन भी सेल करा, दोनों में एक टेंटेटिव स्टॉप लॉस लगा के चले, और यहाँ पर अगर एक का स्टॉप लॉस हिट होता है तो जो दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है हम प्रॉफिट बुक करें, और जो 1 2 पॉइंट कम ज़्यादा होगा वो चलेगा। लेकिन अगर दिन भर में प्रीमियम लॉसेज होते हैं हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता, तो ये वो हमारा प्रीमियम लॉस जो होगा वो हमारी अर्निंग हो जाएगी। अब अगला सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि भाई स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ छोटे स्टॉप लॉस पे वर्क करते हैं तो प्रीमियम लॉस होने से पहले ही हमारा स्टॉप लॉस चला गया। अगर हमने छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करा, बार बार हमारे स्टॉप लॉस जा रहे हैं तो कमाई नहीं हो पा रही है, या हमने ऐसा इनलॉजिकल स्टॉप लॉस लगा लिया जिसमें भी एक बड़े लॉस की संभावना है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेडर ने कहा था कि सर हम एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन दोनों बेच देते हैं, दोनों की वैल्यू जोड़ लेते हैं और वहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मान लो निफ्टी 10,000 पे चल रही है, 10,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन का रेट 100 100 रुपये चल रहा है, उन दोनों को 100 100 रुपये में बेच दिया और उन दोनों में 200 200 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा लिया। लेकिन यहाँ पर ये भी एक इनलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमने 200 200 पे लगाया, ठीक है वो एक्सपायरी डेट को कैलकुलेट करते हुए लगा लिया कि इसके ऊपर अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी है 200 के ऊपर, तो 200 200 पे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। हमने एक्सपायरी डेट का प्रिडिक्शन करके स्टॉप लॉस लगा लिया जबकि कर रहे हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहाँ पर हमें उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से बेटर स्टॉप लॉस होना चाहिए। कि ये स्टॉप लॉस इनलॉजिकल कैसे हुआ, मान लो मार्केट में तेजी आई, कॉल ऑप्शन के रेट बढ़ना शुरू हुए, कॉल ऑप्शन 100 से बढ़ के 150 तक चला गया और पुट ऑप्शन 100 से गिर के 50 तक आ गया। उसके बाद इंट्राडे में कंटिन्यू तेजी रही तो कॉल ऑप्शन तेजी से बढ़ने लगा लेकिन पुट ऑप्शन काफी धीरे नीचे जाने लगा, क्योंकि वो जीरो होगा लेकिन वो एक्सपायरी डेट के दिन जीरो होगा, आज जीरो नहीं हो जाएगा, आज मान लो एक्सपायरी नहीं है। तो यहाँ पर ये एक इनलॉजिकल हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक बड़ा लॉस लग जाए 40 पॉइंट 50 पॉइंट का, लेकिन यहाँ पर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो लॉजिकली हमें इंट्राडे के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस उस जगह पे हो कि जिसके बाद एक कंडीशन अनबैलेंस्ड हो सकती है कि कॉल ज़्यादा तेज बढ़े और पुट यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आए। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना तो काफ़ी कठिन होता है, फिर भी हम अगर एक आसपास के फिगर निकालने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं एक 30 से 50% के बीच का अगर हम कहीं स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं यहाँ पर, जो भी एक वैल्यू है जिस वैल्यू पे भी कॉल और पुट को ऑप्शन को हमने राइट कर रखा है उसकी जो वैल्यू का 30 to 50% के बीच का जो भी हमें एक लगता है कि इसके बाद कंडीशन अनबैलेंस्ड हो सकती है, वहाँ कहीं का हम स्टॉप लॉस लगा लें। तो अब जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो बिल्कुल पास का भी नहीं है कि हर 5 मिनट में टूटेगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो टूटे तब तक हमें एक लॉस लग चुका हो बड़ा। तो यहाँ पर हमने एक बैलेंस्ड स्टॉप लॉस लगा लिया है कि अगर वो स्टॉप लॉस जाता भी है तो 2 5 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा।
अब यहाँ पर ओवरऑल रिटर्न की जहाँ तक बात आती है, जैसा कि हम देखते हैं मार्केट में दो सिनारियो हो सकते हैं, या तो मार्केट वन साइडेड जाएगा या साइडवेज रहेगा। तो साइडवेज कंडीशन ज़्यादातर मार्केट में देखने में मिलती है, यानी ज़्यादातर समय प्रीमियम लॉस होता है, इसीलिए ऑप्शन राइटर जो होते हैं वो ज़्यादातर समय पैसे कमा लेते हैं। अब यहाँ पर हम भी ज़्यादातर समय पैसे कमा लेंगे, और जो वो दे 2 दिन होते थे जिसमें एक बड़ा कैपिटल लॉस लग जाता था, अब वो 2 दिन को हमने यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया है। मान लो पहले उन 2 दिन में हमें इतना कैपिटल लॉस लग जाता था, जो हम कमाते थे वो सब चला जाता था, जेब से भी चला जाता था, लेकिन अब अगर 2 दिन वो वन साइडेड बड़े मूवमेंट आ गए तो हम यहाँ एक छोटे मोटे लॉस या माइनर लॉस या बिना लॉस के भी बाहर निकल गए। तो यहाँ पर अब हम अगर इस तरीके से कंटिन्यू वर्क करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी कैपिटल डेफिनेटली बढ़ेगी। अब कई बार सोचने में ये भी आता है कि स्टॉप लॉस चले जाते हैं, उसके बाद हो सकता है फेवरेबल कंडीशन हो, तो यहाँ किसी भी तरीके से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होगा, कई बार होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेफ्टी को ध्यान में नहीं देंगे तो हो सकता है एक ही ट्रेड हमारी पूरी कैपिटल साफ कर दे। तो यहाँ पर सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी पे होना चाहिए, अर्निंग हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए। अगर हम सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस मार्केट में हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। और जैसा मैं कहता हूँ ज़्यादातर वीडियो में, इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय कहीं भी जा सकता है। तो अगर हम एक एफ एंड ओ ट्रेडर हैं, एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं, तो हेजिंग ही एक बेस्ट विकल्प होता है, जिससे इस मार्केट में हम लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।